दर्शकों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। आज मैं आपके साथ बंधुओं बात करूंगा गृह प्रवेश को लेकर, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के कॉमेंट्स आ रहे थे व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से। वो पूछ रहे थे कि क्या नवरात्रि में हम गृह प्रवेश कर सकते हैं। प्रश्न तो आपका जायज है, आपके मन में उत्कंठा थी, आपने प्रश्न था, संदेह था, पूछा। क्योंकि पिछली वीडियोस में मैं पूरे वर्ष भर के जो मुहूर्त थे उसको मैं आपको बता चुका हूं। नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में मुहूर्त वाले, आप वहां पर देख सकते हैं। और गृह प्रवेश ही नहीं, हर चीज के मुहूर्त में आपको बताता हूँ, डेट वाइज में आपको बताने का काम करता हूँ, और मुहूर्त निकलते कैसे हैं इस पर भी मेरा फोकस रहता है, ताकि आप खुद भी मुहूर्त निकाल सके। देखिए, मैं आज केवल इस विषय पर चर्चा करूंगा कि मुहूर्त हम जो नवरात्रि है उसमें कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। पहले तो ग्रह प्रवेश का जो मुहूर्त बनता है उसके लिए ग्रह, नक्षत्र, महीने, सभी चीज देखी जाती है। तो इसमें यदि हमारे को अत्यंत आवश्यक है और हम नवरात्र में, क्योंकि नवरात्र अपने आप में शुभ तो माने ही जाते हैं, पवित्र तो माने, पुण्य तो, पुण्य दिन तो माने ही जाते हैं नवरात्र के, तो माँ जगदम्बा की आराधना के साथ साथ में आप उस दिन जिस दिन आपकी राशि पर अनुकूलता हो चंद्रमा की, वैसे तो नवरात्र के पूरे दिन अपने आप में शुभ है, लेकिन फिर भी आपकी राशि के अनुकूल हो और उस दिन का शुभ लग्न आप ग्रह प्रवेश के लिए देख लें। दो चीजें जो हमेशा मुहूर्त के लिए निकालना ही चाहिए, और उसके बाद अत्यंत आवश्यक होने पर आप नवरात्रों के समय में मुहूर्त कर सकते हैं। जबकि पिछली वीडियोस में मैंने उस दिन मुहूर्त आपको बताया नहीं, क्यों? क्योंकि अगर संपूर्ण विधि से देखा जाए तो उस दिन मुहूर्त बन ही नहीं रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अत्यंत आवश्यक है, रेंट पर रहते हैं या बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको अपने गृह प्रवेश, नए घर की प्रतीक्षा वो तब तक नहीं कर सकते हैं वहां जाने के लिए, तो आप इन दिनों में चयन कर सकते हैं, खास इन सब चीजों को ध्यान में रखकर। लेकिन एक बात और विशेष जो मैं इसमें बताना चाहता हूं, उस दिन आपको पूरी विधि और विधान के साथ में, शांगो पांग विधि के साथ में आपको गृह प्रवेश करना चाहिए, जिसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप उनको देख सकते हैं क्या क्या विधि होती है, कैसे प्रवेश करना चाहिए और क्या क्या इसमें पूजा पाठ का विधान होता है। ये नहीं कि हमने सिर्फ हवन कराया, हम गृह प्रवेश कर लिए। आपके लिए घर, नया घर मंगलकारी रहे आपके लिए, आपका वहां पर उत्तरोत्तर उन्नति आपको मिले, आपको यश मिले, वैभव मिले, प्रतिष्ठा मिले, धन मिले, तो ये सब चीजों को आपको जरूर देखना चाहिए। तो ये अब आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा कि नवरात्रि में करना है तो कैसे करना है और क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये मैं छोटी सी वीडियो में स्पष्ट कर चुका हूँ। आप बने रहें और हमें दीजिए इजाजत।